फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको एक ऑप्शन दिखता होगा स्टोरी का, ठीक है। और उसी तरीके का एक ऑप्शन हमारे व्हाट्सएप में भी मिलता है, वो है व्हाट्सएप स्टेटस का। तो इन सारी जगहों पे आप अपनी वीडियोज फुटेज लगाते होंगे या फिर किसी तरीके के पिक्चर्स को भी आप लगाते हैं। और इन इंस्टाग्राम या फेसबुक के स्टोरीज में या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में भी लोगों के बहुत सारे वीडियोज देखते होंगे आप, जो कि बहुत ही अलग लेवल से एडिट करके लगाए हुए होते हैं। या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टोरीज पे आप जो वीडियो लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक फिल्टर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपनी वीडियोज को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बट अगर आप अपनी वीडियो फुटेज को, यानी कि आपकी कोई भी वीडियो फुटेज है और उसको आप अपनी इंस्टा स्टोरी या फिर फेसबुक स्टोरी में लगाना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें आप अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। एकदम से सिंपल से कुछ एक स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने इंस्टा स्टोरी या फिर फेसबुक स्टोरी या फिर व्हाट्सएप स्टेटस वाली वीडियोज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मस्त बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, इसको अपने स्मार्टफोन में किस तरीके से अप्लाई करना है, यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहली बात, जो इंस्टा स्टोरी होते हैं या फिर फेसबुक स्टोरी या फिर व्हाट्सएप स्टेटस, इन तीनों जगहों पे जो वीडियो फुटेज होते हैं वो हमें पोर्ट्रेट मोड में शूट करना होता है। यानी कि आप अगर अपने स्मार्टफोन से वीडियो शूट करते हैं तो आपकी जो वीडियो है उसको इस तरीके से करके शूट करना है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में अपनी वीडियोज को शूट करना है। और ये सारी चीज़ें, यानी कि जब आप अपनी वीडियोज को अच्छे तरीके से, जिस भी तरीके से आप अपनी वीडियोज को चाहते हैं उस तरीके से शूट कर लेना है, इंस्टा स्टोरीज के लिए या फिर फेसबुक स्टोरी के लिए या फिर व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, और इन चीज़ों को जब आप शूट कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से एडिट करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन में काइनमास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड वाला रेशियो है 9:16, इसी रेशियो को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे ये रेशियो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सरफेस है वो पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मीडिया पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको वो वीडियो सेलेक्ट करनी है अपने फाइल्स में से जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने अपनी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, हमारी वीडियो यहाँ पे टाइमलाइन पे आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले अपनी जो वीडियो है, अगर इस वीडियो को एक्चुअल साउंड आप यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और अगर आप इस पर किसी तरह का म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक या कुछ और लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये जो मेन फुटेज है वीडियो की, इसका साउंड म्यूट करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, वीडियो पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको एकदम से जीरो पे कर देंगे, साउंड इस तरीके से म्यूट हो जाएगा, ये वीडियो एकदम से म्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपकी वीडियो को लाइट वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वीडियो में लाइट की प्रॉब्लम है, अच्छे तरीके से उसमें लाइट नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि इस तरीके से वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद कलर फिल्टर पे आएंगे, तो यहाँ पे कलर के बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको जो फिल्टर अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैं जिस कलर फिल्टर को चूज करूँगा यहाँ पे वो वीडियो फुटेज उसी तरीके से उसी कलर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ या फिर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी सिलेक्ट करूँ, तो बहुत सारे कलर फिल्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको जो सही लगे अपनी वीडियो फुटेज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करके देख लेना है कि कौन सा कलर करेक्शन आपके लिए अच्छा लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये B11 जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर टैप कर देता हूँ। मेरे पूरे वीडियो फुटेज इस तरीके से हो गए, इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर मैं वीडियो को प्ले करूँ तो ये वीडियो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे इस वीडियो का इतना हिस्सा का फॉर्मेट किसी और तरीके का रखना है, तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैची पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट एट प्लेहेड, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा हिस्सा है वीडियो का, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लिप ग्राफिक्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और इनमें जो भी क्लिप ग्राफिक्स दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ें दी, और आपको अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इनमें से अगर कोई नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको अपने स्मार्टफोन में डेटा ऑन करके रखना है और गेट मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काइनमास्टर के जो एसेट स्टोर है वो ओपन हो जाएगा और इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसको सिंपल से आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और उसको आप अपने वीडियोज में यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि इनमें से कोई इफेक्ट अपनी वीडियोज पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये फिल्म प्रोजेक्टर है, ठीक है, तो इसमें से कोई एक मैं अगर चाहूँ तो ये ब्लू वाले पे क्लिक करूँ तो ये इस वीडियो पे इस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है तो सिर्फ स्पेस देके ओके कर देंगे तो वहाँ पे वो एरिया ब्लैंक रहेगा। अब मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इतनी वीडियोज फुटेज को प्ले करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये जो है ये वाला बॉक्स, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, तो ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए हम ग्लिच इफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन हमको मिलेगा ग्लिच इफेक्ट का, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ग्लिच का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें से कोई एक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छा लगे, मतलब आपके वीडियो फुटेज के अकॉर्डिंग जो सूटेबल लगे उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर टैप कर दूँगा। अगर ये भी नहीं मिलेगा ग्लिच इफेक्ट तो इसको भी आप ऐसे टेस्ट स्टोर से, कैनमास्टर के ऐसे टेस्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहें तो यहाँ का इस वीडियो फुटेज का भी यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हो, मतलब अलग अलग क्लिप के अलग अलग कलर्स भी आप कर सकते हो। तो मान लीजिए कि इस वीडियो फुटेज में इसी क्लिप का कलर मुझे कुछ और करना है, कलर फिल्टर पे आएंगे और इनमें से जो भी कलर आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग सूटेबल लग रही है आपको, तो उसको आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टैप कर देंगे और मान लीजिए कि इस वीडियो फुटेज में मुझे कोई हिस्सा स्लो करना है, ठीक है। जैसे ये वाला हिस्सा है इसको मुझे स्लो करना है, तो वीडियो पे टाइप करेंगे, कैंची पे कट कर देंगे, यहाँ पे स्प्लिट एट प्ले है, ठीक है। अब इस ये यहाँ पे टाइप कर देना, हमको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर फास्ट करना है तो इस तरीके से इधर स्क्रॉल करेंगे, और वीडियो को स्लो करना है तो इधर स्क्रॉल करेंगे। ये लास्ट पॉइंट है वीडियो को स्लो करने का 0.25, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और अगर मैं अब वीडियो को अपने प्ले करूँगा तो मेरी वीडियो स्लो हो चुकी है, ये क्लिप आपको स्लो दिख रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। और इसमें मैं अब क्या करता हूँ कि ये जो हमारा सेकंड फुटेज है इस पर भी क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स पे आएंगे और इनमें से ही कोई एक ग्राफिक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, जो मुझे अच्छा लगता है अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, जो सूटेबल लगे मुझे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, टैप कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजिशन का बॉक्स मिलेगा आपको, तो इसमें से फिर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट आपको यहाँ पे लगा लेना है। बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हैं, तो उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनमें से ये वाला एक ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैप कर दिए, फिर उसके बाद इस तरीके से इस वीडियो फुटेज पे हम आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पर भी हम अलग टाइप का कोई क्लिप ग्राफिक्स अप्लाई करेंगे, तो इस क्लिप ग्राफिक्स वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इनमें से आपको अप्लाई करके चेक कर लेना है कि आपकी वीडियो फुटेज के अकॉर्डिंग कौन से ग्राफिक्स अच्छे तरीके से उस पर सूटेबल हो रहे हैं, ठीक है। मैं इनमें से फिल्म मेकर पर आता हूँ, इनमें से मान लीजिए कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मेरा फुटेज कुछ इस तरीके से हो गया। अब मैं अगर वीडियो को प्ले करूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो फुटेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से प्ले करूँ तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से पॉज करने के बाद यहाँ पर फिर से वीडियो को कट करता हूँ, स्प्लिट एड प्ले है, ठीक है। फिर यहाँ पर टैप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो कोई और क्लिप ग्राफिक्स अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इनमें से और कोई क्लिप ग्राफिक्स यहाँ पे अप्लाई करके देख लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि इसी में से कोई एक मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ये वाला काउंटडाउन वाला, फिर से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे कोई ट्रांजिशन इफेक्ट इनमें से कोई सा भी एक अच्छा सा चूज करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने। अब मैं वीडियो को इस तरीके से यहाँ पे प्ले करता हूँ तो देखिए ये चीज़ें इस तरीके से हो गई। अब उसके बाद ये इस तरीके से इफेक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से वर्क करने लगी। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। इसको जब आप करोगे, इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो आपको दिख लेना है कौन सी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टोरीज को क्रिएट करना है। और ये सारी चीज़ जब आप कर लेते हैं तो अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑडियो का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के ऑडियो यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो भी ऑडियो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है उस म्यूजिक को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, उस पर इस तरीके से क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइप कर देंगे, वो म्यूजिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके वीडियो को जिस भी रेजोल्यूशन में आप चाहो, 1080 या फिर 720 में, उसमें करके यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। आपकी वीडियो आपकी गैलरी में आ चुकी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप उन वीडियोस पे जा सकते हैं और वीडियो एडिटिंग की बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो फटाफट लिंक पे क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।